आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो है पिंकी काउंट, और पिंकी काउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो कार्ड्स उठा लो और शुरू करते हैं। और क्या अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी खतरनाक मूव पर जो आपको खतरनाक रिटर्न्स भी दे, तो वो है पिंकी काउंट। और पिंकी काउंट में बता रहा हूँ सबसे खतरनाक मूव है, और इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक जाना पड़ेगा। तबीयत थोड़ी सी डाउन है आज, इसलिए गला। तो भाई साहब, जो पिंकी काउंट है, पिंकी काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कार्ड्स लगेंगे ऑब्वियसली। तो अगर आपने अपने कार्ड्स ले लिए हैं तो शुरू करते हैं। और ये जो मूव है, थोड़ा सा इसके इतिहास में अगर मैं बात करूँ इसके इतिहास के बारे में, तो 1937 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। एंड लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये जो मूव है, जादूगर इसके पहले भी इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये 1937 से भी पहले की है और काफ़ी पुरानी मूव है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर हम टाइम वेस्ट करते हैं, ये सीखने लायक चीज़ नहीं है, और इसके अंदर जो भी टाइम दे रहे हो वो जस्ट वेस्ट हो रहा है। मेरा ये कहना है कि सबकी अलग अलग सोच है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मूव आप और कोई नहीं सीख सकते हो। और इससे सीख लिया तो मतलब इसके साथ में आप जो चीज़ें कर पाओगे वो शायद ही किसी दूसरी चीज़ से कर पाओगे। तो कभी आप ये मत सोचना कि इसमें अगर आप टाइम दे रहे हो तो वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए मेरी, तो समझने की कोशिश करना। और अगर कार्ड्स ले लिए हाथ में तो बस जो भी मैं करते जाऊँ उसे फॉलो करते जाओ, एंड आप सीख जाओगे कि पिंकी काउंट कैसे करते हैं। शुरू करते हैं फिर। और क्या, जो वो मूव है वो कुछ इस तरह से दिखती है। मैं आपको जस्ट पहले दिखा देता हूँ कि पिंकी काउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो पिंकी काउंट क्या होता है कि जो आपकी पिंकी फिंगर होती है, जो लिटिल फिंगर है, उससे आप अपने कार्ड्स को इस तरह से काउंट करते हैं एक एक करके। अभी ये बहुत ही हल्के वे में मैंने बताया, मैं आपको थोड़ा सा गलत तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली होता क्या है। तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है, प्लीज़ इसे फॉलो मत करिएगा। और वो कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो इस तरह से काउंट करना पिंकी काउंट कहलाता है। पिंकी काउंट का यूज़ आप डबल लिफ्ट जैसी चीज़ों में कर सकते हो। आप कई सारे ऐसे रूटीन्स हैं जिनके अंदर इसका आप यूज़ कर सकते हो, जो आगे मैं सिखाने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसके अंदर मैंने ग्रिप्स के बारे में बात की थी, और आपको यहाँ पर सारी ग्रिप्स के बारे में पता चल जाएगा। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके सबसे पहले ग्रिप्स सीख सकते हो। तो मैकेनिक्स ग्रिप क्या होती है उसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको सारे कार्ड्स को मैकेनिक्स ग्रिप में होल्ड करना है, एंड देन जो आपका थंब है उसे आपको हल्का सा यहाँ पर प्रेशर करके रखना है। पहली चीज़ आप ध्यान रखें, प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कार्ड्स को एकदम इस तरह से स्क्वीज करके रखना है, बिल्कुल दबा के एकदम जकड़ के नहीं रखना है कार्ड्स को। बिल्कुल जितना हो सकता है रिलैक्स, जितना रिलैक्सेबल आपके कार्ड्स होंगे, जितना रिलैक्सेबल आपकी फिंगर्स होगी, उतना बेहतर ये मूव दिखेगी और उतना बेहतर ये मूव आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो कोशिश करें कि मैं प्रेशर की जब बात करूँ तो बिल्कुल एकदम प्रेशर नहीं देना। जैसे कि अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि थंब पे हल्का सा प्रेशर बना के रखना है, तो वो बस हल्का सा प्रेशर, ना कि इतना कि बिल्कुल कार्ड्स ही मुड़े हैं आपके, ठीक है। तो इतना प्रेशर बिल्कुल भी ना बनाए, हल्का सा प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कार्ड्स को मैकेनिक्स ग्रिप में होल्ड करके रखना है। दूसरा, आपका जो थंब है उसे आपको हल्का सा यहाँ पर प्रेशर बना के रखना है, हल्का सा बस। एंड जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो तो टॉप पे रहेगी, ताकि जब हम कुछ भी यहाँ पर अगर कुछ भी सस्पिशियस करें तो वो उसे हाइड कर ले। एंड जो आपकी मिडल फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर है वो जस्ट यहाँ पर टॉप पर, या आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एज के ऊपर, मतलब ये दोनों उंगलियाँ जो है वो भी प्रेशर बिल्डअप करेगी। जैसे कि अंगूठा जो है आपका, जो थंब है, जैसा कि आपका जो थंब है वो जो प्रेशर बना रहा है, वैसे ही आपका जो मिडिल फिंगर है, जो रिंग फिंगर है, वो भी हल्का हल्का प्रेशर बनाएगी। तो अभी मैं जस्ट दिखाता हूँ कि बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। तो जब आप अपनी जो पिंकी फिंगर है उससे जब आप इतना प्रेशर देकर नीचे, जब आप इस साइड प्रेशर देते हो, तो जैसे ही आप इधर प्रेशर दोगे तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूवमेंट होगी इस वाले कॉर्नर पर, ठीक है। तो इस वाले कॉर्नर पर मूवमेंट को रोकने के लिए जब आप इधर पुश कर रहे हो, ऐसे डाउन में पुश कर रहे हो, तो ये जो मूवमेंट हो रही है सामने वाले कॉर्नर पर, उसको रोकने के लिए आपको ये थंब यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको बस यही थोड़ा सा प्रिंसिपल फॉलो करना है कि यहाँ पर हल्का सा प्रेशर रखना है, एंड देन यहाँ से पुश करना है नीचे की तरफ। अब हो सकता है कि जब आप इसे पुश कर रहे हो तो
जैसे बहुत सारे ज़्यादातर कार्ड जैसे ऊपर जा रहे हो या ढंग से हो नहीं पा रहा हो, तो मैं बता दूं कि ये जो उंगली है आप इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हो, है ना। तो हो सकता है कि इसे आपको यूज़ करने लायक या इस मूव में आपको काम करने लायक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे। हो सकता है कि अभी आप जब कर रहे हो तो आपसे बिल्कुल भी हो नहीं रही है, तो प्लीज़ गिव अप मत करना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये जो फिंगर है ना, आप इसका यूज़ नॉर्मली यूज़ नहीं करते हो, आप डेली लाइफ में इस फिंगर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो अभी जो आपकी जो मसल बिल्ड होनी चाहिए थी यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ और भी टिप्स दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना ताकि और अच्छे से इस मूव को कर पाओ। ये बहुत ही सही चीज़ है, अगर आप इसको सीख लोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप अप्पियाँ लोगे मेरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इस तरह से जब इसको पुश कर रहे हो और आपके साथ में एक एक कार्ड शूट ना हो कि तीन चार कार्ड एक साथ में उठ रहे हैं, तो आप क्या करो, छोटी सी टिप है कि आप जब अपने कार्ड्स को इस तरह से होल्ड करते हो तो ये जो आपकी तीन फिंगर है इससे आपको हल्का सा ना इस तरफ पुश करना है, जो लेफ्ट साइड है उस तरफ पुश करना है। एंड देन जब आप फिर इसको यहाँ से इस तरह से पुश करोगे ना नीचे, तो फिर ये कार्ड्स बहुत ही ईजीली तरीके से मतलब लाइक आप इन्हें काउंट कर पाओगे पिंकी से। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी स्टार्टिंग में हो तो आप इस तरह से मत करो, आप हल्का सा इन्हें ऐसे टिल्ट कर लो और देन इसके बाद आप इस तरह से एक एक करके कार्ड को काउंट करो। अब ये तो मैं बहुत ही वाइल्ड तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मेरी दोनों फिंगर्स मैं हटा रहा हूँ। जब आप रियल में करोगे तो आपको मैं अभी जो टिप्स बताने वाला हूँ वो काम आएगी। तो जब आप रियल में करो तब आपको कम से कम मूवमेंट, जितनी मूवमेंट कम हो उतना बेहतर है। तो यही पिंकी काउंट है। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दिखाऊंगा जिनसे आप इसे और थोड़ा सा इनविजिबल और इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, इस मूव को थोड़ी सी आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो जस्ट एक शॉर्ट में बता दूं, वापस से शॉर्ट रीकैप कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपने कार्ड्स को मैकेनिक स्क्रिप में होल्ड करके रखना है, प्रेशर बकायदा बिल्डअप करके रखना है, थोड़ा सा कार्ड्स को टिल्ट करना है स्टार्टिंग में, एंड आपको अपने पिंकी से नीचे इन्हें पुश करना है, ठीक है, थंब पे बकायदा उसी वक्त प्रेशर बनाते हुए, एंड हल्का हल्का इस तरह से एक एक कार्ड को छोड़ते रहना है, तो इससे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, ये पिंकी काउंट है। अब कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर वन, सबसे पहली चीज़ कि आपको कभी भी अपने जो कार्ड्स हैं आपके उनको एकदम स्क्वीज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। जितना हो सकता है अपने हाथ को रिलैक्स करके रखना, जितना हो सकता है अपनी उंगलियों को रिलैक्सेबल करके रखना। नेक्स्ट टिप है कि आप जितना हो सकता है इस मूव को करने के लिए जितना टाइम ले सकते हो उतना टाइम लो। शुरुआत में गलतियां कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियों से ही सीखोगे। कभी गिव अप मत करना है इस चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी ये आपके हाथ में, आप इस मूव को मास्टर नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि टाइम ले ये चीज़, लेकिन इसे जितना हो सकता है टाइम देने की कोशिश करना। आप चाहो तब तक दूसरी चीज़ें भी सीख सकते हो। इस चैनल पर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें अभी अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन जितना हो सकता है उसे आप टाइम देने की कोशिश करना। ये बहुत शानदार मूव है, मैं बता रहा हूँ। जब भी आप इस मूव का यूज़ करो तो तब थोड़ा सा मिसडायरेक्शन ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये एंगल प्रूफ नहीं है ये मूव। क्योंकि जैसा कि अभी मैं लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड पर अगर कोई खड़ा है और अगर आप इस तरह से यहाँ पर इस मूव को परफॉर्म कर रहे हो स्टार्टिंग में, जैसे अगर आप स्टार्टिंग में ये कर रहे हो तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा, उन्हें सब कुछ दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखें। अगर आप सराउंडेड हो लोगों के साथ में तो आपको हमेशा हाथ अपना नीचे करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लाइक हल्का सा इसे टिल्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से भी आप इसे काउंट करने में यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा कि आप अपने हाथ को नीचे कर लें एंड देन आप इस मूव का यूज़ करें। अगर आप सराउंडेड नहीं हैं लोगों से और एक दो लोग ही हैं जिनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो, तो मान लो कि ये जो दो लोग हैं इनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो, और अगर आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है कि जो ये मान लो कि ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली सामने से परफॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है जो मिस्टर बी है उन्हें दिख जाए कि आप क्या कर रहे हो और ये थोड़ा सा गलत एंगल हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसलिए आप अपने आप को हल्का सा मूव कर लें, थोड़ा सा साइड में आप ले आएँ अपने आप को एंड देन आप ये मूव परफॉर्म करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।
बजाय आप इस तरह से एक्सपोज करते हुए कि लाइक इनके सामने ही आप इस तरह से एक्सपोज कर दें, एंगल्स का ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली टिप है, इसकी जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दे, दिन में जितना भी आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, और जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो। ये चीज़ बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं आएगी, दांतों तले चने चबवाएगी लेकिन ये नहीं आएगी। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया ट्यूटोरियल के अंदर, वो ये है कि आपकी जो फिंगर्स का जो लेवल है ना वो सेम होना चाहिए। जो आपकी जो मिडिल फिंगर है, जो आपकी रिंग फिंगर है और जो आपकी पिंकी फिंगर है, उनका जो लेवल है वो तीनों लाइक इस तरह से दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी एकदम नीचे नहीं जाना है। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर ये देखो गायब सी हो गई है, ये जस्ट मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। लेकिन जब आप इसे बाकायदा अच्छे से परफॉर्म करेंगे ना तो देखो ये थोड़ा सा सही होना चाहिए कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो दिखती रहें, लेवल रहें, वो ज़्यादा बिल्कुल एकदम डीप में ना चले जाएँ। जब भी आप कुछ मूवमेंट करते हो तो लोगों को हमेशा लगता है कि आप कुछ सस्पिशियस हो रहा है, लोगों को कुछ सस्पिशियस सा लगता है। तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है उतनी मूवमेंट कम करें इस मूव को परफॉर्म करने के लिए। आप स्टार्टिंग में जब ये मूव करने जाएंगे और इस फिंगर का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा दर्द होने लग जाए आपको, और आपकी जो फिंगर है आपको इसमें थोड़ा सा दर्द फील होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो फिंगर है आप इसे डेली यूज़ में नहीं यूज़ करते हो और इससे कोई काम आप नहीं करते हो। इसलिए जब आप इसका यूज़ करोगे कार्ड्स को पुश करने में और इस तरह की चीज़ें करने में, तो हो सकता है इसमें पेन होने लगे। लेकिन आप इसे दो तीन दिन में अगर आप करते रहेंगे बीच में हल्का सा ब्रेक लेके, तो वो पेन चले जाएगा। तो कुछ एक्सरसाइज जो मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने किसी वेबसाइट पर देखी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझे भी काफ़ी हेल्प करी है। तो जो सबसे पहली है वो, वैसे तो मैं वेबसाइट तो भूल चुका हूँ, जो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो कुछ इस तरह से है कि आपको अपना जो हैंड है वो इस तरह से रखना है और बाकी सारी जो उंगलियाँ हैं आपकी उन्हें इस तरह से पकड़ के इस तरह से आपको डेस्क पर रखना है। एंड देन ये जो आपकी पिंकी फिंगर है इस पर हल्का सा ऐसे वेट देते हुए इसे उठाना है। आप जितना हो सकता है उसे उठाने की कोशिश करें, इससे क्या होगा कि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल बनेगी। एंड जो दूसरी मूव थी वो भी सेम इसी तरह की है कि आपको अपने हाथ को इस तरह से टेबल पर रखना है। एंड जो आप जो दूसरी उंगली है आपको इसे यहाँ पर इसी के पास में रखनी है एंड देन इसे पुश करना है। जितना हो सकता है उतना आपको इसे पुश करना है, कोशिश करें कि आप इसे जितना हो सके उतना पुश करें और इस वाली फिंगर से आप इसे रोकें। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपकी जो फिंगर है वो बेसिकली स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी जो मसल है वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। और जब आप इसे परफॉर्म करेंगे ना और जब आप इस तरह से काउंट करेंगे तो आपकी जो मसल मेमोरी है वो भी बनेगी, तो ये मूव जो है वो और इम्प्रूव होती जाएगी टाइम पे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप सही प्रोसीजर फॉलो करें और जितना हो सकता है उतना आप टाइम दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सिखा ही दिया है, समझा ही दिया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है आपके, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर हैकिंग, मैजिक और कुछ ख़तरनाक स्किल सिखाता हूँ जो कि सिर्फ जेम्स बॉन्ड और जॉन विक टाइप के लोगों के पास होती है। तो अगर सब कुछ सीखना चाहते हो तो बिना किसी देरी से सब्सक्राइब कर ही दो, दवाई दो, फोड़ दो, जो भी करना वो कर दो, बस कर दो। और अपने जादूगर दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, और क्या, बाय।